मम्मी दादे बंदे मम्मी पन्न अंडला नम परके नम बैदीन मूल बैदीन अंडला बर्रे आ रेग ಕಾಪು ಅಮ್ಮನ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಬರ್ರೆ ಔಪಾನ್ ಪೂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ್ರೆತ್ ಜಿ ಅಂಡಲೈತೆ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತನ್ ಮಲ್ಲಿ ಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಮನಸರಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿ ನಂಚದ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆರೇ ಪಂದಿನ ಕಂಬಾ ಕೊರ್ಪಿನ ಆರ್ ಏ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ಪಿನ ಆರ್ ಪನ್ನಿ ಬುಕ ಆಗುಲ್ ಮಮ್ಮಿ ನಗುಲ್ ಪುರಗುಲ್ ಕೂಡ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿನ ದಾದೆ ಮಲ್ಪೋನ अच्छा लग रहा है बहुत वर्ल्ड कप जीत के आने के बाद इधर और बहुत शांति शांति लग रहा है अंदर एकदम एंटर करने के बाद जैसा देविशा ने बोला जब भी अम्मा और अम्मा का सिस्टर का स्थापना होएगा फेब्रुवरी मार्च के टाइम में और टूर नहीं रहेगा और हम लोग रहेंगे तो हम लोग इधर जरूर आएंगे बहुत अच्छा था इतने सारे लोग को देख के बहुत अच्छा लगा उधर और इधर भी बहुत लोग को देख के बहुत अच्छा लगा ये प्यार याद रहेगा हमेशा इधर आके ऐसा लगा नहीं था कापू में कि इतने सारे लोग आएंगे बट अच्छा लग रहा है बहुत और वापस मिलेंगे जल्दी अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ मैं कापू दम्मा वो तो देखो अपने हाथ में नहीं है अपने हाथ में अच्छा खेलना और अच्छा करना टीम के लिए अगर वो लिखा रहेगा अगर वो सोचा रहेगा भगवान ने तो वो भी हो जाएगा ऐसा होएगा तो कापोदा अम्मा का आशीर्वाद आशीर्वाद आप तो अभी तक जो सुब्रमण्य और बड़ा बड़ा टेम्पल का गए अभी कापू के लिए आए ऐसे लगा अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा उतरने के बाद जब टेम्पल में एंटर किए वही जैसे मैंने बोला बहुत शांति लगा एकदम माइंड एकदम काम हो गया एकदम और नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने बोला जब भी होगा स्थापना तब हम लोग आएंगे साथ में वापस पहले आया था थोड़ा टाइम हो गया आके चार पाँच साल अंकल को मालूम है 5 years पहले आए थे और अभी 5 years के बाद आए बहुत अच्छा लगा पहले आया था ऐसे आया था अभी अम्मा बुलाया काबो अम्मा ने बुलाया आप सेलिब्रिटी बना के आया कैसे नहीं नहीं एकदम नॉर्मल आदमी जैसा आया हूँ मैं देविशा ने बोला कि जाएंगे थोड़ा क्योंकि अभी बॉम्बे में और हम लोग जहाँ से आए वहाँ से देखा कि कितना कितने लोग आए थे तो सोचे कि इधर आएंगे गाँव में और मंदिर भी आना था तो सेलिब्रिटी जैसा बिल्कुल भी नहीं आया हूँ और सेलिब्रिटी ऐसा है मैं कभी सोचता भी नहीं हूँ क्योंकि कुछ टाइम के बाद आप वापस नॉर्मल लाइफ आपको जीना है बहुत लंबे टाइम तक ये आपका लाइफ नहीं है लाइफ का पार्ट है कुछ भी आप करते हो लाइफ में तो बस यही सोचता हूँ मैं और ऐसे ही चलता हूँ लाइफ में एनिवर्सरी बहुत अच्छा था इतना केक लाइफ में कभी काटा नहीं मैंने इतना केक कभी खाया नहीं और स्पेशल इसलिए क्योंकि वो जो कैच पकड़ा था उसको 8 दिन हो गया एनिवर्सरी को भी 8 दिन हो गया था तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा स्पेशल था अब ये वाला स्टोरी है दबा दो इधर ही सोशल मीडिया में पता नहीं मैंने तो टच नहीं किया लाइन पे सब जगह अभी ऐसा कैसे है कि पूरा इतने लोग को कुछ नहीं कर सकते सब लोग को तो मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगा वो मोमेंट पे वो मैंने किया और भगवान के दुआ से मैं वो टाइम पे वहाँ पे था मुझे वो चांस मिला कैच पकड़ने का और अच्छा लग रहा है वो मोमेंट वीडियो पाकिस्तान से वो चर्चा अरे वो मुझे अच्छा लगता है वो जब भी मैं जाता हूँ बैटिंग करने के लिए और वो सिचुएशन में रहता हूँ क्योंकि मैं मजे करके खेलने को मुझे अच्छा लगता है एंजॉय करके जितना भी मैं अंदर बैटिंग करता हूँ तो वो उसका ही एक पार्ट है
एक छोटा सा, एक छोटा सा पूजे अरे यार आर गेंदिन यान थोड़ी गेंद ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆಂದೋಡ ಅವು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಐಟ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆಗಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡಿಂದ ನನ್ನ ಎದುರು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ वो प्रैक्टिस किया है, वो कैच का बहुत बार प्रैक्टिस के टाइम पे और इसके लिए मैच के टाइम पे इतना माइंड थोड़ा काम था और वही दुआ है भगवान का, वो टाइम पे मौका दिया कुछ अच्छा इंडिया के लिए करने का और अच्छा लग रहा है बहुत। बस बॉल पकड़ लिया मैंने उस टाइम में क्योंकि इतने लोगों का ड्रीम था और हमारा भी ड्रीम था कि इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है और जीताना है, बस वो मोमेंट में और कुछ भी ध्यान में नहीं आया ज्यादा। नेक्स्ट कापुदम्मा ऐसा नेक्स्ट पूजक पूजक।